तो हम अपना यह नम्र प्रयास सफल समझे। सर गई सब सात पराई निशानी है साधु के संग की निशानी गुरुता बताते हैं। अगर कोई समझते हैं तो हमने साधु का संग किया है या मैं साधु का संग कर रहा हूं तो देखना है, तो ये बात है, ये निशानी है उसकी। विसर गई सब साथ पराई, पराई साथ विसर गई। अगर हम गुरु का संग करके, गुरु साधु एक बात है, अगर हम गुरु का संग करके पराई साथ अंदर है तो दो बातें आती है, या तो गुरु की मान सकती नहीं है क्योंकि तो उसने कहा है तो साधु का संग प्राप्त होया तो विसर गई सब साथ पराई, या तो हमने संग नहीं किया है। दो बात है, संग करे, संग होवे तो बिसर गई सब साथ इज ऑटोमेटिक रिजल्ट। अगर नहीं साथ बिसरी है और हम समझते हैं तो हम संग कर रहे हैं तो उसका मतलब है तो संग नहीं कर रहे हैं। अगर हम कहें नहीं हम संग कर रहे हैं साथ भी नहीं बिसरी है तो गुरु की बाणी सच्ची नहीं है, तो जो गुरु ने कहा है वो ठीक नहीं है। क्योंकि बहुत ही ऐसे आदमी समझते हैं कोई 10 घंटा 15 घंटा अपने गुरु की सेवा करेगा, साधु के संग कर रहे, साधु के साथ ही रहते हैं, बहुत ही हैं साधु के साथ रहते हैं। साधुओं संतों की सेवा बहुत हो रही है दुनिया में और वो समझते हैं तो बस हम साधु का संग कर रहे हैं। एवरीवन इज सेटिस्फाइड, देखो कहते हैं मैंने गुरु का संग किया है बस भी आर्थिक। ऐसे दूसरे भी बड़े बड़े साधु स्वामी और आचार्य बड़े बड़े ऐसे हैं जिनका बड़े बहुत ही आदमी संग करते हैं, कोई 5 घंटे कोई 10 घंटे सेवा करते हैं उनकी, तो एक एक आदमी जो फिर थोड़ी सेवा करते हैं समझते हैं तो हम संग कर रहे हैं, लेकिन साथ पराई विसरी है या नहीं विसरी है। जो इस शब्द में गुरु ने निशानियां बताई है वो है या नहीं है, अगर है तो बराबर संग कर रहे हैं, अगर नहीं है तो हमने संग किया ही नहीं है। इन स्पाइट ऑफ अवर being in the company of the sadhu for 5 hours, 10 hours, for number of years, हमने साधु का संग किया, we have failed to do it. क्योंकि साधु का संग जो करे अब तात पराई न विसरे, मेरा गुरु जो कहे वो सच न है, वो हमेशा सच है, वो अटल वाक है, अमर वाक है, ब्रह्म वाक है, इसलिए जो गुरु ने कहा सच है। तो अगर हम संतों का संग करके भी एक चीज प्राप्त नहीं की है जो गुरु ने इस शब्द में बताई है,
तो उसका मतलब ही है तो हमने संग नहीं किया है जो संग गुरु मानते हैं करना है, क्योंकि गुरु का संग, सतगुरु का संग, साधु का संग कोई विरलाप प्राप्त करते हैं, कोई वनभागी पावे, सब नहीं पाते हैं, सब समझते हैं तो हम पाया है लेकिन पाया नहीं है। बिसर गई सब तात पर आई, जब ते साध संगत मोह पाई, जब से मैंने साधु के संग प्राप्त किया तब अब सब तात पर आई, तात जिसको कहते हैं बिसर गई। बिसर गई सब तात पर आई, मैंने साधु का संग पाया तो मेरा वैरी कोई नहीं है, मैं किसको वैरी देखूं, सब मेरे मित्र हो गए हैं, सब मेरे मित्र हैं, वैरी कौन है। साधु के संग की मुख्य बात ये है सबका सज्जन बन जाता, निर्वैरता, क्योंकि परमात्मा का मुख्य जपकी के अंदर आप मूल मंत्र के अंदर क्या पढ़ते हो, निर्वैर। अगर मेरा प्रभु निर्वैर है तो प्रभु के भगत निर्वैर है, अगर वैर रखते हैं किसी के साथ भी तो भगत नहीं है, क्योंकि प्रभु की खासियत ये है, खास बात प्रभु की है निर्वैर।
ना को बैरी, ना है बेगाना, मेरे लिए कोई बेगाना नहीं है, ऑल आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। बेगाना किसको कहो, हु आर द स्ट्रेंजर्स, हु आर फॉरेनर्स, किसको मैं कहूं तो ये बाहर का है, ये अंदर का है, ये मेरा है, ये पलावा है। ना कोई बैरी, ना को बैरी, ना ही बिगाना, सगल संग हमको बने आई, मेरी सबसे बनाती है, गरीब है साहूकार है, राजा है रंक है, ऊंच है नीच है, स्त्री है पुरुष है, बच्चे हैं बूढ़े हैं, किसी धर्म के हैं, मुसलमान है, ईसाई है, पारसी है, हिंदू है, सिख है, कोई भी है, सगल संग हमको बने आए। कितनी कितनी गुरुवाणी, गुरु साहब जी मन के अंदर क्या आशा थी, सगल संग हमको बने आई, सबके साथ मेरी बनाती है, मैं किसको वैरी नहीं मानता हूँ, किनको मैं दुश्मन अपना नहीं मानता हूँ, सबके साथ मेरी बनाई, मुखालिफ विचार वालों के साथ भी बनाती है, भक्तों की आई पंथी, आई पंथी, सगल जमात, सगल जमात, यू वॉन्टेड टू एम्ब्रेस ऑल जमात, जो भी संसार के अंदर है, डिफरेंट फुरके, डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट विचार के आदमी, आवर गुरु वांट्स टू ब्रिंग ऑल इन इनटू वन फोल्ड। और आज हालत देखो इंसान की, कितना परावाखर, जो परावाखर है दुश्मनी, दुश्मनी औरों के साथ छोड़ो, दुश्मनी भाई भाई के साथ हो जाती है, वन ब्रदर परावा दूसरे भाई भाई को मानते हैं, अपने भतीजों को नहीं पहचानते, अपने अपने बच्चों को पहचानते हैं, अपने भतीजों को नहीं पहचानते, मेरे भाई का औलाद वो भी परावा है, वो भी परावा है, और हम अपने आप को कहते हैं हम साधु का संग कर रहे हैं, गुरु का संग कर रहे हैं, अपनी कम्युनिटी के आदमी एक दूसरे को नहीं मानते हैं, दूसरे को एक इज्जत नहीं देते हैं, आबरू नहीं देते हैं, आपस में लड़ पड़ते हैं, लड़ाइयां आपस में, लड़ाइयां घर घर में लड़ाइयां हो रही है, भाई भाई से लड़ रहे हैं, मित्र मित्र से लड़ रहे हैं, पुत्र पिता से लड़ रहे हैं, और बाहर से कहते हैं हम धर्मिष्ठ हैं, कीर्तन करते हैं, या हम गुरु के पास जाते हैं, साधु का संग करते हैं, हम ना को बैरी, ना ही बिगाना, सगल संग हमको मान आई, सगल संग हमको मान आई।
Oh, God.